सब्सक्राइब करें टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल के आइकन को टेक वीडियोस हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों चाइनीज कंपनी Xiaomi ने इंडिया में लॉन्च कर दिया अपना एक स्मार्टफोन, उसको नाम दिया है देश का स्मार्टफोन। जब कंपनी चाइनीज है तो स्मार्टफोन देश का कैसे हो सकता है, हालांकि इसको देश में असेंबल किया हुआ है, पार्ट सारे चाइना से इंपोर्ट किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इसकी जो प्राइस है वो इसको जस्टिफाई करता है कि नहीं करता, मेरा क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन के बारे में और इसके अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में, किस तरह का दिखता है। दोस्तों आपने जैसे Redmi 4A देखा है ये सेम वैसा ही दिखता है। इसके अंदर आपको 5 इंच की HD डिस्प्ले मिल जाती है और जो इनका पिक्सल की डेंसिटी है वो है 296 PPI और इसके अंदर जो बैटरी है वो है 3000 mAh की। लेकिन ये बोलते हैं कि ये बैटरी 8 दिन का आपको बैकअप देगी और 7 घंटे का प्लेबैक टाइम देगी, क्योंकि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो है MIUI 9, जो कि बैटरी को ऑप्टिमाइज करता है और अच्छी तरह से इसको परफॉर्मेंस करने के लिए देता है। इसके अंदर जो रियर कैमरा है वो 13 MP का है जिसका अपर्चर है 2.2 और जिसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 5 MP का जिसका अपर्चर 2.0 है, जो कि सेल्फी लेने के लिए ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो स्नैपड्रैगन 425 का, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के अंदर में। आपको इसके अंदर दो वेरिएंट मिल जाते हैं, 2 GB की रैम के साथ में 16 GB का इंटरनल स्टोर और 3 GB की रैम के साथ में 32 GB का इंटरनल स्टोर आपको यहाँ पे मिल जाता है। और साथ में फोन के अंदर IR ब्लास्टर का सेंसर भी दिया है, जिससे कि आप फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टीवी और AC के रिमोट की तरह से। और ये डिवाइस 4G है और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि आपको 4A में नहीं मिलती वो ये है कि इसके अंदर जो सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड को लगाने के लिए अलग से स्लॉट दिया हुआ है कि आप 2 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, यानी कि डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है। यहाँ पे हाइब्रिड स्लॉट नहीं है कि आप एक सिम कार्ड लगाएं या फिर आप एक मेमोरी कार्ड लगाएं, ऐसा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। आपको यहाँ पर खुली आज़ादी मिलती है कि आप 2 SIM कार्ड लगा लें और 1 मेमोरी कार्ड लगा लें। और बाकी के जो फीचर है वो सेम है। लॉन्चिंग प्राइस इसका जो 2 GB वाला वेरिएंट है उसका है 6000 रुपीज और जो 3 GB वाला वेरिएंट है रैम में वो उसका प्राइस है 7000 रुपीज। लेकिन पहले 50 लाख ग्राहकों को ये मिलेगा सिर्फ 5000 के अंदर। इसका जो 2 GB वाला जो वेरिएंट है, यानी कि इसके जो 5 मिलियन स्मार्टफोन है वो बिकने वाले 5000 रुपीज के अंदर। जो पहले परचेस कर लेंगे उनको 5000 में पड़ेगा, बाद में जो परचेस करेंगे उनको 6000 में पड़ेगा। अब बात करते हैं फोन के कलर्स के बारे में। फोन के कलर्स हैं गोल्ड, रोज गोल्ड और ग्रे कलर में आपको ये अवेलेबल होगा। बात करता हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन है, आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों अगर 5000 में आपको ये फोन मिल रहा है तो आप इसको परचेस कर लीजिए। इसके जो सारे फीचर्स हैं वो जस्टिफाई करते हैं 5000 को, हालांकि इसके जो फीचर हैं वो 5000 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। IR ब्लास्टर मिल रहा है, 2 GB की रैम मिल रही है, स्नैपड्रैगन का आपको प्रोसेसर मिल रहा है, अच्छे कैमरा मिल रहे हैं और अच्छी बिल्ड क्वालिटी में आपको ये फोन जो है मिल रहा है। अगर आपका बजट 5-6000 का है तो 5-6000 के बजट में इससे अच्छा स्मार्टफोन मेरे हिसाब से अभी तक मार्केट में नहीं है, जिसके अंदर के इस तरह के अच्छे स्पेसिफिकेशन हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों 7 दिसंबर को ये स्मार्टफोन जो है आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर और MI की वेबसाइट पर। अगर आप इसको अमेजोन पर ढूंढेंगे तो आपको वहाँ पर ये नहीं मिलेगा। इस बार फ्लिपकार्ट पर इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो 7 दिसंबर को 12 बजे आप ट्यून अप रहिएगा और वहाँ से आप इसको परचेस कर पाएंगे सिर्फ 5000 रुपये में, क्योंकि पहले ग्राहक अगर होंगे तो आपको 5000 में मिल जाएगा। 50 लाख स्मार्टफोन बिकने में टाइम लगता है, तो 2-3-4-5 साल तक ये आपको 5000 के अंदर मिल जाएगा। तो आप चाहे तो वहां से स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के अच्छे वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने किसी आने वाले दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।